नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बेट द कंपटीशन पे। तो केबीएस पीआरटी के रिजल्ट को लेकर के एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हालांकि नोटिफिकेशन 17 मई को आया है, इसके बारे में कल भी मैंने चर्चा की थी। तो इस नोटिफिकेशन में कहा क्या गया है पहले ये जान लेते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे कि इस नोटिफिकेशन का कितना प्रभाव केबीएस पीआरटी के रिजल्ट के ऊपर पड़ सकता है और बीएड वालों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इस नोटिफिकेशन में बकायदा ये लिखा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कंसिडरेशन में रखते हुए यहाँ पर आयोग ने दो तरह के लिस्ट को वेरीफाई किया है। पहली लिस्ट में उन कैंडिडेट्स का नाम है जिन्होंने पेपर क्वालिफाई किया है और जिन्होंने बीएड की है, और दूसरी लिस्ट में उन कैंडिडेट्स का नाम है जिन्होंने बीएड नहीं किया है और जिन्होंने पेपर भी क्वालिफाई किया है। अब यहाँ पर ये दो लिस्ट निकालने का मतलब समझ में नहीं आता, तो दो तरह की चीजें निकल करके सामने आती हैं कि भाई अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कंसिडरेशन में रखा गया है तो बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ पर फाइनल जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का के वेट की जा रही है, जिसके बारे में कल भी मैंने चर्चा की थी कि भाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट के बेंच में बिल्कुल ये बात रखी गई है कि बिल्कुल इस मसले के ऊपर गंभीरता से बात की जाएगी और कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। क्योंकि फेब वाले महीने में बहुत सारे बीटीसी और डीएलएड के कैंडिडेट्स ने केबीएस पीआरटी में जो कैंडिडेट बीएड करके जाते हैं उनके ऊपर रिट डाली थी, फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में जो है आगे बढ़ा दिया गया। अब डिसीजन जुलाई में जाकर के आने वाला है ऐसा नोटिफिकेशन के द्वारा बताया गया है। अब यहाँ पर समस्या ये खड़ी हो रही है कि अगर तो ये रिजल्ट आपके मई महीने के खत्म होने से पहले पहले बिल्कुल अगर आ जाता है तो बिल्कुल हम मानते कि केबीएस पीआरटी बीएड वाले सेफ जोन में है, लेकिन अगर ये रिजल्ट डिले होता नजर आएगा तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को अगर कंसिडरेशन में रखा गया है तो रिजल्ट में कहीं ना कहीं देरी होने का की जो वजह है वो सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन की रहेगी। कुल मिलाकर के देखें तो ये तो एक नोटिफिकेशन की बात रही, लेकिन पूरी हम ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने बीएड किया है या नहीं भी किया है दोनों के लिए कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालेगी, और जो भी प्रोसेस या जो भी रूल रेगुलेशन इंप्लीमेंट करने हैं वो नेक्स्ट टाइम जो भी भर्ती आने वाली चाहे स्टेट में चाहे सेंटर में है उसको ध्यान में करके रखा जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई केवीएस की वैकेंसी 4 साल बाद आई है, वैसे में एक सख्त मेहनत यहाँ पर कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स ने की है, दिन रात एक किया है, वहां तक पहुंचे हैं। वैसे में थोड़ा सा ये चिंता का विषय बिल्कुल बनता नजर आता है कि इतनी मेहनत के बाद अगर कहीं ना कहीं अगर वो फ्रूटफुल नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं अध्यापक बनने की ये दौड़ जो है कहीं ना कहीं अंधकार में दिखती नजर आती है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या फिर आयोग कितनी जल्दी केवीएस पीआरटी के इस रिजल्ट को देता है और साथ में कितनी सहानुभूति रखता है कैंडिडेट्स के साथ। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ।